ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमालस जीमान इफेक्ट इंपॉर्टेंट है बहुत द स्पेक्ट्रल लाइंस व्हिच अराइज फ्रॉम ट्रांजिशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीप्लेट लेवल प्रोड्यूसेस अ कॉम्प्लेक्स जीमान इफेक्ट अब डायग्राम दिखा देती हूँ आपको शुरुआत में जो अपने डायग्राम देखा था ना ये देखो सिंगलेट से जो अपन को मिल रहा था वो तो नॉर्मल था पहले से ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न है उससे जो जीमान इफेक्ट मिलता है वो एनोमाला जीमान इफेक्ट होता है तो अब अपन उसके एक्सप्लेनेशन में चल रहे हैं ठीक है द एक्सप्लेनेशन explanation... फाउंड इन द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक ऑर्बिटल एंग्लोमोमेंटम है एल और इस बार हमें एस भी लेना पड़ेगा सबसे पहले क्या करते हैं वो दोनों ये मिलके दोनों का कंबाइंड एंग्लोमोमेंटम कितना होगा जे तो एल भी जे के चारों तरफ घूमेगा और एस भी जे के चारों तरफ घूमेगा लेट सी इन द डाय तो यहां देखो एल वेक्टर था और एस वेक्टर था इनका रिजल्टेंट बना जे वेक्टर ये जे वेक्टर बना तो ये जो एल है वो भी जे के चारों तरफ सर्कल ट्रेस कर रहा है और ये जो ये सॉरी जो स्पिन है वो भी कर रहा है और आपके पास में ये भी चारों तरफ कर रहा है और स्पिन भी इसके चारों तरफ करेगा और बाद में जो जे है ये मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ सर्कल ट्रेस करेगा ये जो जे है वो मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ सर्कल ट्रेस करेगा जो ऑपोजिट साइड में डायग्राम है वो सिर्फ म्यू एल म्यू जे और म्यू एस का है नाउ अब हमें क्या करना है वेन द एटम इज प्लेस्ड इन अ वीक मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग द जेड एक्सिस जब वीक मैग्नेटिक फील्ड में है

ऑफ एटम इन स्पेस एंड द स्मॉल चेंज इन एनर्जी ड्यू टू प्रिशन ऑफ जे अराउंड बी ब्रेक ईच जे लेवल इनटू टू जे प्लस वन इससे पहले वाला याद करो इससे पहले में कितने लेवल में स्प्लिटिंग हो रही थी टूल प्लस वन में हो रही थी क्यों क्योंकि स्पिन तो जीरो था स्पिन तो जीरो था तो डिस, डिसाइड कौन कर रहा था केवल एल कर रहा था इस बार क्या होगा स्पिन का रोल आ गया है स्पिन नॉट इक्वल टू जीरो है इसलिए एल और एस मिलके क्या बनाएंगे जे बनाएंगे और जब जे बनाएंगे तो कंपोनेंट की स्प्लिटिंग जो होगी वो कितने नंबर में होगी टू जे प्लस वन में होगी ठीक है द सेपरेशन बिटवीन जीमन लेवल इज डिटरमाइंड बाई द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से हमें पता चलेगा स्प्लिटिंग कम हो रही है या ज्यादा हो रही है बट हमेशा ध्यान रखना अभी भी वीक मैग्नेटिक फील्ड ही है नॉर्मल जीमन में भी वीक मैग्नेटिक फील्ड थी इसमें भी वीक मैग्नेटिक फील्ड है बस उसमें स्पिन का रोल नहीं था इसमें स्पिन का रोल है और दैट्स इट नाउ लेट अस कंसीडर द सिंपलेस्ट केस ऑफ अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगुलर मोमेंटम एंड द मैग्नेटिक मोमेंट छोड़ दो अभी काम का नहीं है थ्योरी एग्जाम्पल लेते हैं आ, हमारे पास एल का है और म्यूएल है दोनों का रेशो ई बाई टू एम है इस बार हमारे पास स्पिन भी है उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट मोवमेंट म्यूएस भी हो जाएगा और मैंने आपको बताया था कि जी एल की वैल्यू तो होती है वन और जी एस की वैल्यू होती है टू तो जी एल की वजह से इसकी वैल्यू आती है ई बाय टू एम और जी एस की वैल्यू की वजह से इसकी वैल्यू आती है टू ई बाय टू एम तो यहाँ स्पिन के इनका जो रेशो होगा वो कितना देगा टू ई बाय टू एम होगा टोटल म्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा म्यू तो एल प्लस म्यूएस हो जाएगा एंड नॉट एक्जैक्टली पैरेलल नॉट एग्जैक्टली एंटी पैरेलल टू जे ठीक है तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा देखो अब हम चलते हैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स पे सिंस जे इज इन वेरियंट एल एस म्यूएल म्यू एस म्यू सब के सब किसके अराउंड कर रहे हैं जे के अराउंड कर रहे हैं ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे म्यू जे की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू जे की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले म्यू एल का कंपोनेंट लेंगे जे के अलोंग और म्यूएस का कंपोनेंट लेंगे जे के अलोंग क्योंकि देखो म्यू एल मान लीजिए इधर जा रहा है ये म्यू एल है और म्यू एस इधर जा रहा है और म्यू जे आपका इधर जा रहा है म्यू जे आपका इधर जा रहा है तो सबसे पहले इस एल का प्रोजेक्शन लो म्यू जे की डायरेक्शन में और म्यू एस का प्रोजेक्शन लो म्यू जे की डायरेक्शन में तो कंपोनेंट ऑफ म्यू एल अलोंग जे तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ये यह थीटा वन है और इसी तरह से म्यू एस का बन रहा है थीटा टू तो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं अब यहाँ पर देखना इधर वेक्टर है मान लीजिए ए वेक्टर और इधर वेक्टर है बी तो ए का बी के डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्शन लेना है तो वो कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा राइट यहां पर हो जाएगा अब ए की जगह हमारे पास क्या है म्यूल है तो आ आ आ गया फिर आ जाएगा कौस, कौस आ गया फिर जाएगा और एंगल बीच में लेना है यहाँ पे जो बी है और ए के बीच में लेना है और हमारे पास बी की जगह क्या है जे है जे है और यहाँ कितना है एल है तो एल और जे के बीच का एंगल ले लिया सिमिलरली स्पिन के लिए क्या करेंगे म्यूएस और उसका कंपोनेंट लेना है

पार्ट और यहां पर है है इसकी जगह रख देंगे ये वाला पार्ट बाकी चीजें हमने टच भी नहीं करी एक क्लास में आपने आपनेटाटा uh, uh, इनकी टेंटा की ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो एक रूल होता है ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल फॉर्म बाय एल एस जे अगर एक ट्राइंगल बन रहा है एल एस जे ओके और उन ट्राइंगल के अंदर हमें एल और जे के बीच का एंगल निकालना है ये वाला एंगल थीटा निकालना है तो इसका आपको याद रखना पड़ेगा इसका फॉर्मूला बट अभी मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूंगी अगर आप में से किसी को इसका डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इसका डेरिवेशन प्रोवाइड करवा दो तो मैं मुझे ई मेल कर देना मैं ई मेल पर इसका डेरिवेशन भेज दूंगी क्योंकि मेरे पास किया हुआ है ये ठीक है पर अभी मैं नहीं बताऊंगी एनीवेज Cos SJ अगर अपन को निकालना है तो सेम अभी तक अपन ने एल जे निकाला है वैसे ही अगर एस जे निकालेंगे तो जो अपना एल निकाला था वो प्लस का आएगा और एस माइनस का आएगा अब इस बार उल्टा हो जाएगा इस बार प्लस का आ जाएगा और एल माइनस का आ जाएगा तो ये दो ये दो दोनों वैल्यूज है अपन रखेंगे यहां पर इस वाली इक्वेशन में तो ई बायू एम एज इट इज है अब ये एल एल प्लस वन तो एज इट इज रहने दो तो कॉस एल जे की जगह ये वैल्यू और कॉस एस जे की जगह ये वैल्यू ये रख दिया अपन ने तो इतना सारा आ गया इसको सिंप्लीफाइड करना है कॉमन टर्म्स जो आ रहे हैं वो कॉमन लेना है ये मैथमेटिक्स पूरी आप करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैथमेटिक्स खुद करोगे और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ये लास्ट में आ आ, आपके पास आएगा ये ई बाय टू एम ये पूरा का पूरा टर्म आएगा ये यहाँ से लेकर

ये पूरा का पूरा हटा के इसकी जगह कितना आ जाएगा जी आ जाएगा इसकी जगह कितना आ जाएगा जी आ जाएगा और साथ में ये वाला टर्म अलग से लिख देना है तो देखते देख लेते हैं यस जी ई बाय टू एम और ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ गया करेक्ट और हम जानते हैं कि यहां से लेके यहाँ तक का ये क्या रिप्रेजेंट करता है जे का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है इस जे को म्यू जे के नीचे लेके आ जाओ तो म्यू जे अपॉन जे आ जाएगा और हमें क्या मिलेगा जी ई बाई टू एम बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यू एल अपॉन एल था ई बाई टू एम साथ में था जी एल जीएल की वैल्यू वन थी ऐसे ही था वो कितना अपोन टू एम जी एस की वैल्यू टू थी उसी तरह से यहाँ पर जी की वैल्यू आ जाएगी और जी का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है ऊपर दिया हुआ है जी डिटरमाइंस ऑफ द टोटल मैग्नेटिक रेशो डिसाइड कर रहा है for एस इक्वल टू जीरो एस इक्वल टू जीरो अगर लेते हैं तो जे कितना हो जाएगा एल हो जाएगा क्योंकि जे होता है एल प्लस एस अगर एस जीरो आ रहा है तो जे कितना हो जाएगा एल हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में जी आपको वन मिलेगा कैसे वन मिलेगा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो हमारा एस जीरो है एस जीरो है तो ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा करेक्ट और जे जो है वो एल के बराबर हो जाएगा तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी सिंपली वन मिल जाएगी हमें तो जी वन आ जाएगा इसी तरह से हमारे पास अगर एल जीरो होता है तो जे जो है एस के इक्वल आ जाएगा तो एल को जीरो रख रक के देख लेते हैं एल को जीरो रख के देख लेते हैं यहाँ पे एल को जीरो रखते हैं तो ये टर्म हो जाएगा जीरो और जे और एस बराबर हो जाएगा तो ये भी जे हो जाएगा ये भी जे हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा तो जे जे प्लस वन जे जे प्लस वन कितना हो जाएगा टू जे जे प्लस वन ऊपर आ जाएगा नीचे कितना लिखा हुआ है कैंसिल उट होके वन बन जाएगा ऑलरेडी एक है और एक ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा तो जी की वैल्यू टू आ रही है तो जी की वैल्यू टू आ जाएगी ठीक है बायलार्मर थ्योरम द एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ जो होती है वो कितनी होती है ओमेगा इज इक्वल टू म्यू म्यूजे अपॉन जे बी यानी कि ई बाय क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा कितना आता है ई बी अपॉन एम आता है और जब जी लगाना होता है तो वो जी इसके आगे लगता है तो ओमेगा की जो वैल्यू आती है लारमीशन में वो यही वैल्यू आती है जे जेड हमें पता है ये होता है और डेल्टा ई हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में कितना होता है ओमेगा जे जेड होता है ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो यहाँ पे और जे जेड की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो हमें सॉल्व करके ये मिल जाएगा ठीक है वैल्यू मिलने के बाद अगर हमें इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है वेव नंबर में तो एच सी से डिवाइड कर दो एच सी से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा लॉरेंज यूनिट के टर्म में करते हैं तो लॉरेंज यूनिट में ये पूरा तो है वो लॉरेंज यूनिट हो जाएगा एल प्राइम साथ में आ जाएगा जीएमजे तो ये आपका टर्म वो हो, हो जाएगा इंटरेक्शन एनर्जी हो जाएगी J level कितने में करेगा टू जे प्लस वन में करेगा थोड़ी देर पहले बता दिया था ओके लेवल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी इस बार जी पर भी डिपेंड करेगा तो अगेन हम वही चीज करेंगे कि इस बार अपन सोडियम उसकी रेजोनेंस लाइन लेते हैं डी वन डी टू और सोडियम लाइन लेते हैं और जो डी वन डी टू लाइने मिलती है वो याद रखना कि कौन से ट्रांजिशन से आती है वो अभी के लिए एक बार याद रख लो टू पी हाफ से

तो टर्म हमारे पास है एस कितना आएगा क्योंकि है कितना वन बाय टू क्योंकि टू यहाँ पे दिया हुआ है टू एस प्लस वन की वैल्यू इसको करेंगे टू के इक्वल तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन बाय टू आ जाएगी और जे की वैल्यू वन बाय टू नीचे लिखी हुई है इसी तरह से टू पी हाफ की आप लोग निकाल लेना एल एस जे और टू पी थ्री हाफ ही निकाल लेना एल एस जे नंबर ऑफ जीमन लेवल कितना आएगा टू जे प्लस वन तो जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, by है तो टू जे प्लस वन करोगे टू आ जाएगा यहाँ पर भी जे वन बाय टू है तो टू आ जाएगा यहाँ पर थ्री बाय टू है तो थ्री बाय टू इंटू टू प्लस वन करोगे तो फोर आ जाएगा जी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास देखो एल की वैल्यू है एस की वैल्यू है और जे की वैल्यू है एल एस जे होने के बाद में जे यहाँ रखना है एस यहाँ रखना है एल यहाँ रखना है जे यहाँ रखना है जी की वैल्यू खुद से कैलकुलेट करना जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास टू टू बाय थ्री और फोर बाय थ्री एम जे की वैल्यू हमारे पास जाती है प्लस जे से माइनस जे ठीक है तो जे की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी है फर्स्ट केस में जे की वैल्यू है वन बाय टू तो प्लस हाफ से माइनस हाफ जाएगा तो प्लस माइनस हाफ जाएगा यहाँ पर भी जे आपके पास टू प्लस माइनस हाफ जाएगा और यहाँ पर आपके पास में कितना है थ्री बाय टू तो प्लस माइनस थ्री बाय टू और प्लस माइनस वन बाय टू क्योंकि एक एक ऐड करना होता है शिफ्ट कितनी है जी एमजे लॉरेंज यूनिट में शिफ्ट है जी एम जे तो जी तो यहाँ दिया हुआ है और एमजे यहाँ दिया हुआ है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस वन मिलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस वन बाय थ्री मिल जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस टू और प्लस माइनस टू बाय थ्री अब इनको ट्रांजिशन लेवल में डायग्राम में कैसे बनाना है डायग्राम देख लो और छोटा करना पड़ेगा हम्म तो सबसे पहले देखो ये तो नीचे आएगा टू एस वन बाय टू ये आपका आ रहा है टू पी वन बाय टू ये आ रहा है टू पी थ्री बाय टू हमने देख लिया टू पी थ्री बाय टू जो है वो कौन से कौन से लेवल में जी वैल्यू क्या उसके पास थ्री बाय टू वन बाई टू माइनस वन बाय टू माइनस थ्री बाई टू और जी एम जे की वैल्यू क्या आ रही थी टेबल में देखना वीडियो बैक करके टू टू बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री माइनस टू इसी तरह से टू पी हाफ की देख लेना प्लस माइनस वन बाय टू आ रही थी और जी एम जे प्लस माइनस वन बाय थ्री आ रही थी और टू एस हाफ के लिए प्लस माइनस वन बाय टू आ रही थी और प्लस माइनस हाफ अब सिलेक्शन रूल हमें पहले पता होना चाहिए सिलेक्शन रूल पता होंगे तभी हम ट्रांजिशन कर पाएंगे तो सिलेक्शन रूल है डेल्टा एमजे की वैल्यू जीरो से और प्लस माइनस वन हो सकती है लेकिन एमजे ऊपर जीरो है और एमजे जीरो है तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो जीरो और प्लस माइनस के माइनसपॉन्डिंग लगाते हैं तो आप लगाइए ये जो ट्रांजिशन मैं यहाँ से शुरू करती हूँ ये पहली लाइन जो है यहाँ से आ रही है कहाँ से आ रही है ये माइनस हाफ से शुरू होके और कहां पे आ रही है प्लस हाफ पे तो माइनस हाफ से प्लस हाफ पे से का मतलब है, कितना हुआ? One हुआ. One है तो ये करेक्ट है दूसरा देखो इसके ऊपर से आ रहा है दूसरा इसके ऊपर से आ रहा है कहाँ से आ रहा है दूसरा वन बाय टू से और वन बाय टू में आ रहा है तो वन बाय टू से वन बाय टू में आ रहा है तो कितना मिल रहा है जीरो तो डेल्टा एमजे जीरो भी एक्सेप्टेबल है इसी तरह से आप बाकी इन दो लाइनों की और इन सारी लाइनों का चेक कर लेना ये सिलेक्शन रूल के हिसाब से ही है डेल्टा एमजे जो है या तो जीरो मिलेगा या प्लस वन मिलेगा या माइनस वन मिलेगा आपको ठीक है तो ये अपने पास हो गया इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास इंटेंसिटी देखना किसके लिए ज्यादा और किसके लिए कम होगी सिग्मा और पाई कंपोनेंट वही है डेल्टा एमजे जीरो है आर पोलराइज्ड विध इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फील्ड तो डेल्टा एम जे जो जीरो होगा वो सिग्मा कंपोनेंट होगा हमारे पास में और पाई आपको दिया हुआ ही है द सम ऑफ ऑल द ट्रांजिशन स्टार्टिंग फ्रॉम एनी इनिशियल लेवल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ट्रांजिशन स्टार्टिंग फ्रॉम एनी अदर लेवल हैविंग द सेम वैल्यू ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंटेंसिटीज uh, जो है इनके रूल्स आप याद रख लो क्योंकि अपन ये याद रखो तो भी ठीक है नहीं याद रखो तो भी ठीक है क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आता है दैट्स इट तो ये अपना हो गया जीमन इफेक्ट कंप्लीट एनल जीमन इफेक्ट नेक्स्ट हमारा पास्ट एंड बैक इफेक्ट वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में